सोलन में बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन व मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोजगार युवाओं को विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित जानकारियां दी ताकि बेरोजगार युवा स्वावलंबी बन सके। इस मौके पर खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने उपस्थित रहकर युवाओं को स्वावलंबन योजनाओं से जुड़ने का आग्रह किया। इस मौके पर केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि इस कार्यशाला में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं बारे युवाओं को बताया गया ताकि वह स्वावलंबी बनकर अपना रोजगार स्थापित कर सकें। बेरोजगार युवाओं को प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्वरोजगार के लिए जो जिस जिस क्षेत्र में उन्होंने नई नई स्कीमें चलाई हैं उनसे किस तरह से बेनिफिट दिलाया जाए उसके बारे में डिफरेंट डिपार्टमेंट से यहाँ पर एक्सपर्ट हमने बुलाए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, DIC से, एनुअल हस्बेंड्री से, इस तरह से इनके डिपार्टमेंट्स में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या क्या योजनाएं हैं उसके ऊपर डिटेल से विस्तार से चर्चा परिचर्चा की जाएगी। इस कैंप में केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिससे कि आम जन के सरोकार की योजनाएं जिनसे वो बेनिफिट उठा रहे हैं और गरीब कल्याण योजनाएं उन सब के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। वहीं प्रतिभागियों ने भी इस कार्यशाला को लाभकारी बताते हुए बताया कि इस कार्यशाला से उन्हें स्वावलंबी योजनाओं बारे जानकारी मिली, जिस जानकारी का सदुपयोग कर वह रोजगार स्थापित कर सकते हैं। जी, हमें यहाँ आके पता लगा कि हमें किस तरह का लोन मिल सकता है लेडीज़ को, कि हम किस तरह का अपना काम कर सकते हैं, अपना ब्यूटी पार्लर कर सकते हैं, सिलाई मशीन का कुछ भी। अगर हमें हमारे घर में किसी भी आदमी को कुछ जॉब चाहिए या गाड़ी वगैरह का, उसके लिए लोन वगैरह का बता रहे हैं। और जो भी यहाँ पे है उससे हम बहुत खुश हैं कि हमारे लिए कुछ तो मिला ताकि हम अपने घर में बैठे काम कर सकते हैं। तो इसमें आके मेरे को पता लगा कि सरकार हमारे को कई तरह की स्कीमें दे रही है जो कि हम औरतों के लिए बहुत अच्छी है। ये हम घर में अपना काम खुद कर सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, हम खुद ही अपना काम कर सकते हैं। और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सरकार ने हमें इतने अच्छे स्कीम दी है। जो गवर्नमेंट है हमारी, जो हिमाचल सरकार है, वो सब्सिडी दे रही है जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 25% है और जो विडोज़ हैं उनके लिए 35% है। और बाकी भी कई योजनाएँ, जैसे अगर किसी को ई रिक्शा चलाना है उसमें हमारी सरकार सहायता कर रही है, आर्थिक रूप से भी कर रही है। PR TV के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।